देश में रमजान का महीना खत्म होने वाला है और ईद की खुशियां आने वाली हैं, पर ईद की खुशियों में कोरोना बाधा न बने संभल के नेताओं, मौलानाओं और एसपी संभल ने ईद घर पर ही बनाने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट में। संभल कोरोना महामारी के चलते संभल के मौलानाओं ने लोगों के लिए संदेश दिया है कि कोरोना से सभी लोग परेशान हैं, सरकार जनता को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। सब लोग अपने घरों पर रहकर जैसे लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, वैसे ही जुमा, अलविदा और ईद पर घरों में ही रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم। तमाम अहले इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि मुसलमान और सारे इंसान जिन परेशानियों के दौर से और मरज़ कोरोना से परेशान हो रहे हैं और पहम मौतें भी उसी मरज से वाकई हो रही हैं, हमारी हुकूमत हिंद ने भी इस मरज से नजात के लिए, बचने के लिए कवानीन मुकर्रर किए, लॉकडाउन का कानून मुरतब किया और हुकूमत की तरफ से सारे ही लोग, काम करने वाले हुकाम, डीएम, एसडीएम वगैरह सारे ही लोग इसमें इंसानियत के खून के तहफ़ुज़ के लिए रात और दिन बराबर कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा भी फ़र्ज़ यही हो जाता है कि उन कवानीन पर अमल करने से हमें सुकून मिलेगा, हम अल्लाह के फजल से हलाकत से बचेंगे। अगर हमें हलाकत से बचना है तो हमें लॉकडाउन के कानून पर ज़रूरी अमल करना है। साथ ही इसके जैसे कि पहले हम जुमा अदा कर रहे थे इमाम के अलावा चार लोग, उसी तरह से जो जुमतुल वदा जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है, सबसे बड़ा जुमा होता है, पूरे साल में सबसे बड़ा जुमा माना जाता है, जिसके अदा करने के लिए मुसलमान बेकरार हो जाता है, उसका ये जज्बा ईमानी उसको बेकरार कर देता है। लिहाजा मैं तमाम अहले इस्लाम से और ईमान वालों से गुजारिश करूंगा कि जज्बात से काम न ले करके मरज़ कोरोना को और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुकूमत हिंद के इस कानून पर अमल करें और जुमे के दिन इसी तरह से अलविदा के जुमे को भी नमाज़ पढ़े जैसे कि और जुमों को नमाज जुमा अदा कर रहे थे। साथ ही इसके हमारा ये रमज़ान का महीना जिसमें मुसलमान हज़ारों खुशियों को लेकर सामने आता था, नमाज ईद अदा करता था, एक तरफ से जाता दूसरी तरफ से अल्लाह का जिक्र करता हुआ आता था, उसके पूरे साल की खुशियों का दिन था, वो भी हमारे इस मरज ने छीन लिया हमसे और वो खुशी भी हमसे इस मरज ने दूर कर दी है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि ईद के दिन जो नमाज ईदुल फितर अदा हम करते थे, इस साल हुकूमत के कानून लॉकडाउन के का पालन करते हुए हम नमाज ईद पढ़ने के लिए ईदगाह के मैदान में न जाएं, बल्कि हम अपने घरों में चार रकअत नमाज चाश्त की पढ़ें। और चाश्त की नमाज का वक्त जो है वो सूरज निकलने के बाद से 20 मिनट के बाद से आप 10 बजे तक किसी वक्त भी चार रकअत अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और ईदगाह के मैदान में ईदुल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे भाई मुसलमान न निकलें, ताकि जल्दी ही ये मरज़ दूर हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए और ईद की जगह में अल्लाह हमारी चाश्त की नमाज़ को कबूल फरमाए। बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम रमज़ान की इन रातों में जो शब कद्र भी आ रही है कल को, तो उसमें अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन व अमान बख्शे और इसके अंदर सहूलत पैदा हों, हमारा मुल्क खुल जाए, गरीबों के कारोबार खुल जाएं। इसमें मैं हुकूमत हिंद से ये अपील इसके साथ ज़रूर करूंगा कि गरीबों का हाल, मजबूरों का हाल, मज़दूरों के हाल पर नज़र करके हुकूमत हिंद से
अपने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सहूलतें निकाल कर कारोबार खोलने के लिए कोई ना कोई तदबीर ज़रूर अमल में लाएँ, ताकि जो लोग भूख मर रहे हैं गरीबी से, बेकाम काज की वजह से, और उनको कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए, वो भीख मांगते फिर रहे हैं। हम हुकूमत हिंद से उम्मीद भी करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन गरीबों के मसाइल, अवाम के मसाइल, जनता के मसाइल ज़रूर हल करेगी। और हमारी हुकूमत हिंद बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करने की उम्मीद है, और उसकी अच्छाई में सबसे अच्छी ये अच्छाई ये होगी कि ये मर्ज भी दूर हो और इसके दरमियान सहूलतें निकाल कर गरीबों के हाल पर ज़रूर रहम खाएँ। हमारा तो इस्लामी फरीज़ा है लोगों को समझाना, और हमारा कुरान ये कहता है अपने हाथों को, अपनी ज़ातों को हलाकत में न डालो, वला तुल्कु बिअयदिकुम इला तहलुका। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अहले इस्लाम खुसूसन रमज़ान में, जुमतुल वदा में और ईद अदहा में कानून का पालन करें, लॉकडाउन पर अमल करें, और अपने को वतन से मोहब्बत करने का सबूत दें। फ़कत वसलाम। ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता है। लोग पूरे महीने रोजे रखने के बाद ईद का बेसब्री से इंतजार करते हैं और ईद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते नमाज घर पर ही अदा करनी है। सभी लोगों को हमारे कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मियों का सम्मान करें और उनका सहयोग करें और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون محمد ظهير الإسلام قادری امام عید کا سنبھل میں سارے ہی مسلمانوں کو آنے والی عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے ملک ہندوستان سے اس کورونا کی بیماری کو جلد سے جلد دور فرمائے और सारे इंसानों को इस बीमारी से निजात अता फरमाए, आमीन। और मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि इन मुबारक रातों में, रमज़ान मुबारक की और शब कद्र की रातों में, ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क भारत से इस ख़तरनाक बीमारी को जल्द से जल्द दूर फरमाए और इससे हम सबको निजात अता फरमाए। और आस पड़ोस में जितने भी लोग गरीब, यतीम, मिस्कीन हैं, उनकी खास कर मदद करें, माली तौर पर हो या जिस तरह से भी हो उनकी देखभाल करें, और मदारिस इस्लामिया का भी ख्याल फरमाएं। और ये लोग जो अधिकारी, जो प्रशासन के लोग, जो डॉक्टर, जो नर्स और जो भी हम इस मौके पर इन कामों में लगे हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करें कि उनको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका सम्मान और इज्जत करें, क्योंकि ये लोग इस परेशानी के वक्त में हमारे काम आ रहे हैं। लिहाजा हमको भी चाहिए कि उनके लिए दुआ खैर करें और उनका सम्मान करें। जिस तरह पहले आप लोगों ने जुमे के मौके पर लॉकडाउन का पूरा ख्याल किया है, इस मौके पर भी इस तरह से ही ख्याल करें। ईद उल फितर अलविदा में भीड़ न होने दें और जितने लोगों की परमिशन है इतने ही लोग मस्जिदों में पढ़ें, बाकी लोग अपने घरों पर पढ़ें। और ईद उल फितर के मौके पर अगर जमात से न पढ़ सकें तो चाश की नमाज़ पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी नमाजों को, तरावी को कबूल फरमाए और हमारे मुल्क से इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर फरमाए, आमीन। मेरा प्यारा वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। मौलानाओं ने गरीबों का ख्याल रखने और जकात अदा करने को कहा है। किसी आवश्यक काम से बाहर जाना पड़े तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और अपने साथ सैनिटाइजर भी रखें और मास्क जरूर लगाएं। संभल की आवाम ने लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया है और इस कोरोना महामारी को दूर भगाने में कोरोना वॉरियर्स की भी बखूबी मदद की है। मैं आफ्ताब हुसैन, शहर इमाम संभल, अपील करता हूँ सभी लोगों से और नमाजियों से, रोज़दारों से, कि वो ईद उल फितर और जुमे की नमाज़ को अपने घर पर अदा करें, और जो के शासन और प्रशासन और मेडिकल गाइडलाइन ने बताया है डिस्टेंसिंग दूरी, उसका ख़ास ख्याल रखें। और जितनी तादाद सिर्फ इबादत के लिए
मस्जिद में कहिए उससे ज़्यादा तादाद में न जाएं और ज़्यादातर घर पर ही नमाज अदा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मर्ज से हिफाजत रखें, अपने हाथ पैरों को धोएं, मास्क लगाएं और एहतियात बरतें, किसी नए आदमी से हम हाथ न मिलाएं, एक जगह भीड़ को इकट्ठा ना करें और प्रशासन का कोऑपरेशन करें और किसी कानून को अपने हाथ में ना लें। दूसरी चीज़ ये है कि अमन को कायम रखें, किसी इधर उधर की बातों पर यानी गलत अफवाहों पर ध्यान ना दें और आपसी भाईचारा कायम रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क और हमारे शहर को इस मूजी बीमारी से मुआफ़त फरमाए। और जैसे चौथा लॉकडाउन बड़ा है और मीठी ईद आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बसपा प्रभारी संभल व चेयरमैन पति संभल व समाज सेवी, मैं अपील करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन बढ़ाया। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ हमें अपील करनी है उन माँ बहनों से, उन बेटियों से जो बाज़ारों को जाती हैं, शॉपिंग मॉलों में जाती हैं, उससे परहेज करें, वो कहीं नहीं जाएं। बाज़ारों में लेडीज़ें नहीं हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ चंद दिनों पहले जमात के लोगों को बदनाम किया गया। हम चाहते ये हैं कि ख़ास तौर से मुसलमान कौम से अपील है मेरी कि वो बाज़ारों से परहेज करें, क्योंकि अगर महामारी बढ़ी तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम मुसलमानों पर आएगा और ये बुरका वालियों से आएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ उन घर के मर्दों से जो मर्द घर पर रहते हैं, औरतों को छूट देते हैं, वो छूट ना दें। अगर कोई ज़रूरत का सामान लाना भी है तो मर्द खुद लाएं, औरतों को बिल्कुल घरों से ना निकलने दें, क्योंकि निज़ाम बिगाड़ देंगे ये औरतें। देखिए बम्बई के अंदर कोई बाज़ार खुला तो सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश कर दिया लोगों ने और बदनामी का बदनुमा दाग लगने लगा। इस बदनुमा दाग लगने से बचने के लिए, मुसलमान कौम को बदनाम होने से बचाने के लिए सारे लोगों से अपील है मेरी कि वो बाहर ना निकलें अपने, और ईद जो है, नमाज जो है, जिस तरीके से घरों में अंदर रहकर रोज़ा रखा, तरावी पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी हैं, ऐसे ही ये दो रकात नमाज भी शुक्रगुजारी की पढ़ें। उलमा इकराम का भी कहना हमारा यही है कि सब्र की ज़रूरत है, सब्र से काम लेंगे। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ देश के वासियों से, ख़ास तौर से विधानसभा संभल के लोगों से, कि वो सब्र से काम लें और नमाज जो पढ़ें घरों के अंदर पढ़ें, ईद गरीबों के साथ मनाएं, जो ईद पे खर्च करना था वो गरीबों के ऊपर खर्च करें। और मैं अपील करना चाहता हूँ उन मालदारों से जिनका हक है गरीबों पे, गरीबों का हक है मालदारों पर, कि उसमें ये ना देखें हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले के लोगों का ख्याल रखें, अपनी बस्ती का ख्याल रखें। और वो जो लोग दान पुण्य करते हैं यानी कि ज़कात निकालते हैं, एक का एक रुपए का सवाब 70 रुपए का है, हर अमल अल्लाह ताला अच्छा अमल जो है 70 गुना कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 4-5 दिन बचे हैं, 3-4 दिन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें हिंदू लोग, और मुस्लिम लोग जो हैं ज़कात खैरात सदका फितरा जो भी दे सकते हैं करें। और एक तो ये है कि अल्लाह के अल्लाह ताला ने के साथ अल्लाह ने कहा कि कोई है मुझे कर्ज दे, कर्जाए हंसना दें लोगों को। कर्जाए हंसना ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला अपने हाथ से अता फरमाएगा इसका बदल, और एक के 70 हो जाती है जमा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ मुसलमानों से ख़ास तौर से कि ईद जो है सही शुद्ध मनाएँ अपने घरों के अंदर रहकर, और किसी के वहाँ आना जाना न रखें, मुलाकातें ना करें,
ईद मिलना, बस दूर से सलाम दुआ सलाम रखें, फूलों पे दुआ सलाम करें। इसी के साथ मैं फिर एक बार जो है हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ ईद की, मगर सिर्फ काय पे व्हाट्सएप के ज़रिए से और फ़ोन के ज़रिए से, मुलाकातों के ज़रिए से ईद नहीं मिलनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट जारी चल रही है वो यही है कि इसका दूर रहना ही ज़रूरी है, फासला बनाना ज़रूरी है। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात, एक हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, या रसूलल्लाह उस्मान गल्ला लाए हैं, बहुत बड़ा गल्ला है, मुल्क शाम से लेकर मदीने के तक ऊँट खच्चर हैं, कुछ मुनासिब कर दीजिए, कह दीजिए उस्मान से गल्ला मुनासिब बेच लें। तो जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस्मान से मेरा सलाम कहना और कहना कि कम करके बेच लें कुछ, क्योंकि कैद साली का दौर है, जैसे कैद अब पड़ा है, अब महामारी जो है ये ऐसे ही पाली भी हुआ करती थी, तो उस्मान से सलाम कहा अल्लाह के नबी का और कहा कि उस्मान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया है कि तुम गल्ला मुद्दे करके बेच दो कुछ। कहा उस्मान ने, मैं तो तेज बेचूँगा। साहबी उधर से वापसी हुए और फिर गल्ला जो है उन्होंने फ्री बांटना शुरू कर दिया। आपने कहा कि साहबा ने इकराम ने मालूम कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह हमने तो उस्मान से कहा था गल्ला मुनासिब करके भेज दें, वो तो फ्री बांट रहे हैं। तो आपका लबक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रखा, उस्मान का नाम गनी हो गया। दोस्तों ये जो मौका है इससे हाथ से न जाने दें, ये आपदा का वक्त है। अपने कैश जो माल है, जो कैश पैसा है, कम से कम 25% लोगों को खर्च करना चाहिए और ज़्यादा जाओ तो 50% खर्च कर देना चाहिए इसलिए कैश जो है। अस्सलाम वालेकुम आदाब। जनपद में लॉकडाउन का पूर्ण अनुपालन कराया जा रहा है और सभी से अपील की जा रही है अपने परिवार के साथ रहें, घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें, कोई भी सामान लेने अगर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अगर वो दो पहिया वाहन से जा रहे हैं तो अकेले जाएं, चार पहिया वाहन से जा रहे हैं तो एक ड्राइवर और एक पीछे सवारी जाए। कल अलविदा है और उसके आने वाला ईद का त्यौहार है, तो सभी से अपील की जा रही है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, अपने घरों में रहें, अकेले ही मनाएं, उसके अपने परिवार के साथ मनाएं, कहीं भी सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम आयोजित मत करें, ना ही अलविदा की ना ही ईद की। ये सभी लोग अपने अपने परिवार में रहें, अपने परिवारों के साथ ये त्यौहार मनाएं, आने वाला सारे त्यौहार, सभी लोग से अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें और घर में रहकर ही मनाएं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, पिकेट ड्यूटी लगाई गई है और बैरियर ड्यूटी लगाई गई है, सभी क्षेत्रों में लगातार ड्यूटियां की जा रही हैं, लगातार निगरानी रखी जा रही है, पुलिस प्रशासन वाचफुल है, किसी भी तरीके की गैदरिंग नहीं होगी।